ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 35 में क्वेश्चन नंबर 1 है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्फीयर गिवन है अबाउट डायमीटर। डायमीटर क्या है? 2/5 डायमीटर सेंट्रल से एक ही बात है, 2/5 एम आर स्क्वायर इक्वल टू कितना 20, तो यहाँ से क्या आ गया एम आर स्क्वायर। अब आपको क्या निकालना है, वो कह रहे हैं कि व्हाट इज द मोमेंट इनर्शिया अबाउट एनी टेंजेंट। अब टेंजेंट जब मेंशन ना हो तो यही लेना, इसका तो एक ही टेंजेंट है खैर, तो इसके टेंजेंट में क्या आएगा 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, तो आंसर क्या आएगा 7/5 एम आर स्क्वायर। अब एम आर स्क्वायर की वैल्यू ऊपर से कितनी आ चुकी है 50 फुट करके आंसर। मेथड समझ में आ रहा है, पहले ये गिवन है यहाँ से एम आर स्क्वायर और फिर टेंजेंट एक्सेस 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर से आंसर। कितने का हो गया था वैसे ये, यहाँ तक क्लियर है? अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें दो डिस्क है, दोनों की डेंसिटीज पता है रो 1 एंड रो 2, मास और थिकनेस बराबर है, क्या करना है मोमेंट इनर्शिया निकालना है डिस्क का क्या होगा। देखो वैसे तो ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, क्या करना है पहली डिस्क का आई क्या होगा 1/2 m r1 square, दूसरी का 1/2 m r2 square, मास क्योंकि बराबर गिवन है, मास मास कैंसिल तो ये वैल्यू आ गई। प्रॉब्लम ये है अपने को रेडियस नहीं गिवन, तो अपने को रेडियस की जगह क्या गिवन है डेंसिटी गिवन है, तो हम एक काम करेंगे मास बराबर गिवन है, मास क्या होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम डिस्क का क्या होता है अगर डिस्क की थिकनेस हल्की सी टी है, टी फॉर थिकनेस है, एरिया इनटू थिकनेस वॉल्यूम है, तो एरिया इनटू थिकनेस वॉल्यूम है ऐसी है, और इनटू डेंसिटी रो 1, यहाँ पर भी एरिया इनटू थिकनेस, लेकिन थिकनेस भी सेम गिवन है, टी से टी कैंसल। एरिया डिस्क का क्या होता है π r1 square π r2 square, यहाँ से r1 square और r2 square की रेशियो इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी आ जाएगी, ये ट्रिक है इसमें। तो आपने मास को इक्वल करना है, मास वॉल्यूम इनटू डेंसिटी करनी है, वॉल्यूम एरिया इनटू थिकनेस करना है और एरिया π r square पुट करना है। क्या ये स्टेप क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करके r1 square by r2 square की रेशियो क्या आएगी ρ2 by ρ1। तो यहाँ से रेशियो क्या आएगी ρ2 by ρ1, तो मोमेंट इनर्शिया क्या आ गया ρ2 by ρ1 आंसर। तुम अगर मेरे को ये क्वेश्चन दोगे तो मैं बिल्कुल भी वो स्टेप नहीं करूँगा, मेरे को आंसर याद है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर थिकनेस और मास सेम है डिस्क का, तो आई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी है, सीधा शॉर्टकट बनाएंगे I1 by I2 = ρ2 by ρ1, डन, कुछ करना ही नहीं है। लेकिन ये तभी लगेगा जब थिकनेस और मास दोनों का सेम हो, तब आई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, सीधा शॉर्टकट लगाएंगे। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? जैसे बिल्कुल सेम अगली प्रॉब्लम सेम है, दो बॉडीज हैं I1 बड़ा है I2, नहीं ये नहीं करना, ये अभी कोर्स में हमने किया नहीं, थ्योरी की नहीं, ये मत करना। क्वेश्चन नंबर 4 है, दो डिस्क है, A की डेंसिटी B की डेंसिटी से बड़ी है, तो I का क्या रिलेशन है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, अभी बताया मैंने, तो अगर A की डेंसिटी बड़ी है तो A का मोमेंट इनर्शिया छोटा है, सीधा आंसर शॉर्टकट, क्योंकि I इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, तो उल्टा रिलेशन आ जाएगा। क्या स्टेप क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? ये हमने कर लिया होमवर्क, लिखो 4 स्फेयर वाला आज किया था, ये आज हमने कर लिया 3 रिंग्स वाला होमवर्क, लिखो इसे, घर से करके आना है। 7th क्वेश्चन, क्वेश्चन है, सर्कुलर डिस्क ए ऑफ रेडियस आर इज मेड फ्रॉम आयरन प्लेट ऑफ थिकनेस टी, अनदर सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस बी 4 r एंड थिकनेस भी डिफरेंट है, लेकिन पीस आयरन का है, यानी कि डेंसिटी दोनों की सेम है, आयरन है तो डेंसिटी सेम है, रेडियस भी डिफरेंट है, थिकनेस डिफरेंट है,
मोमेंट इनर्शिया की रेशियो निकालनी है डिस्क की, डिस्क का आई लगा दो हाफ एम वन आर स्क्वायर हाफ एम टू फोर आर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस ए का आर है ए का फोर आर है। और वही टेक्निक है, मास क्या होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम क्या होता है एरिया इंटू थिकनेस। तो एरिया पहली डिस्क का पाई आर स्क्वायर है, थिकनेस टी है, डेंसिटी रो है। दूसरी डिस्क का एरिया में आर की जगह फोर आर है, थिकनेस की जगह टी की जगह टी बाई फोर है, डेंसिटी रिमेनिंग द सेम। सॉल्व करके आंसर, तो रेशियो जो है वो लेस देन वन आएगी, तो आई ए लेस देन आई बी आएगा। मतलब करना होमवर्क ही आपने, पर हिंट समझ में आ रहा है, हिंट नोट कर सकते हो, ट्राई कर रहे हैं इसके डाउट्स लेने नेक्स्ट टाइम मैंने सारे। तो जिन क्वेश्चन में डेंसिटीज इन्वॉल्व है, थिकनेस इन्वॉल्व है, वहां पर मास को वॉल्यूम इंटू डेंसिटी यूज करना पड़ेगा और वॉल्यूम एरिया इंटू थिकनेस लगानी पड़ेगी। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? ठीक है यहां तक? ठीक, नेक्स्ट है, ये नहीं करना अभी, एट्थ नाइन्थ होमवर्क है, टेंथ करना है। डायमीटर ऑफ अ फ्लाई व्हील, याद रखना फ्लाई व्हील इज अ रिंग, फ्लाई व्हील या रिंग एक ही बात है। तो डायमीटर ऑफ द फ्लाई व्हील इज इंक्रीज बाय 1%, डायमीटर बढ़ने का मतलब रेडियस का बढ़ना। तो इमेजिन करो, अगर रेडियस पहले आर था, अब रेडियस आर डैश है, तो रेडियस कितना बढ़ गया आर डैश माइनस आर, फ्रैक्शन कितनी बढ़ गई इतनी फ्रैक्शन, और परसेंटेज कितना है 1%। परसेंटेज चेंज इन रेडियस को कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाएगा ना, चेंज इन रेडियस बाय ओरिजिनल रेडियस इनटू आर। और फिजिक्स में इसे कैसे लिखा जाता है? डेल्टा आर बाय आर इनटू 100 कितना गिवन है 1%। इसे लिख, याद है एरर्स, याद है फ्रैक्शनल चेंज परसेंटेज चेंज, ये वही तो है। परसेंटेज चेंज इन रेडियस कितना गिवन है 1%, अगर डायमीटर 1% है रेडियस भी 1% है। क्या निकालना है? परसेंटेज चेंज इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये निकालना है, ये क्वेश्चन है। तो परसेंटेज चेंज इन रेडियस पता है, परसेंटेज चेंज इन आई आपको निकालना है। करें स्टार्ट। जब भी एक का परसेंटेज चेंज गिवन हो और दूसरे का निकालना हो तो एरर का रूल लगा दिया करो। याद है हमने काफी बार ऐसा किया है। देखो आप एक काम करो, आई का फॉर्मूला रिंग का क्या है, एम आर स्क्वायर, एरर का रूल याद करो, डेल्टा आई बाई आई, मास तो कॉन्स्टेंट है इसमें कोई एरर नहीं है, इसकी पावर क्या है 2 इंटू डेल्टा आर बाई आर, किया था हमने एरर्स, 100 से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई, परसेंटेज चेंज आर का 1% है, तो आंसर क्या आएगा 2%। तो समझ में आ रहा है कैसे करना है? एरर का रूल लगाओ, ए का परसेंटेज चेंज गिवन है, दूसरे का ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल के अंदर भी किए थे। समझ में आ रहा है यहां तक? तो एरर का रूल समझ में आ रहा है, कैसे एरर का रूल लगेगा इसमें? इसमें ये होमवर्क है 11th, 12th की फिगर बना लो प्लीज, 12th की फिगर मिसिंग है, 12th की फिगर नोट कर लो, क्योंकि ये होमवर्क है, आपको फिगर चाहिए होगी, तो नोट करो इसे फिगर को। ठीक है, बना ली फिगर। नेक्स्ट 35 के बाद आपने शीट नंबर 36 में कौन कौन से क्वेश्चन होमवर्क करने हैं नोट करो। क्वेश्चन नंबर 1 करना है, ये सेंटर ऑफ मास है, नोट करो 1 करना है, 2 नहीं करना, 2 नहीं करना, 3 करना है, 3 करना है, 4th करना है, 5th करना है, 6th भी करना है, 7th करना है, 8th हमने कर लिया,
एट्थ भी कर लो, नाइन्थ करना है, टेंथ करना है, इलेवेंथ भी करना है, ट्वेल्थ नहीं करना, ट्वेल्थ नहीं करना। और आखिरी क्वेश्चन हम ये थर्टीन हमने कर लिया, रिपीट है, फोर्टीनथ एच रॉड्स वाला कर लिया, ठीक, ये आपने होमवर्क करके लाना है।